बायोएनर्जेटिक्स को हम पढ़े थे और बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हमने बायोएनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख लिया था। आज हम अपने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट के साथ। रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। वैसे तो पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली लीफ के अंदर हो रहा होता है। वो क्यों होते हैं? बिकॉज लीफ जो है वो ब्रॉड होते हैं और लीफ की जो सर्फेस होती है वो फ्लैट होती है, तो इस वजह से लीफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम काउंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके 1 मिलीमीटर स्क्वायर के ऊपर तकरीबन 500,000 जो है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, 500,000 पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ क्वाइट अ ह्यूज नंबर। बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर होते हैं। अगर आपको लीफ का स्ट्रक्चर याद हो जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, उसके अंदर क्या था कि हमारे पास लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर एक उसकी अपर सरफेस होती है और लोअर सरफेस होती है, उसके दरमियान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वो जो टिश्यूज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के, उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं वो लीफ के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें मेसोफिल टिश्यूज़ कहते हैं, मेसोफिल टिश्यूज़। ठीक है, डिफरेंट दो टाइप्स होती हैं मेसोफिल टिश्यूज़ के भी। एक हमारे पास होते हैं पैलिसेड मेसोफिल और एक हमारे पास होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ये सब आप अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये जो मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं या मेसोफिल सेल है, एक मेसोफिल सेल के अंदर हमारे पास अंदाजन 20 से लेके तकरीबन 100 तक जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जो कि इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मेसोफिल सेल का। ओके, तो ये हमारे पास मेसोफिल सेल का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक लीफ नज़र आ रहा है, ये लीफ है और लीफ के एक छोटे से पोर्शन का हमने लीफ क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन में हमने क्या देखा कि लीफ की जो अपर सरफेस है, ये वाली जो अपर सरफेस है, यहाँ पे हमें एक लेयर नज़र आ रही है। इस लेयर को हम कहते हैं ये है क्यूटिकल। ये एक वैक्सी लेयर होती है जो प्लांट के या लीफ के अपर सरफेस पे होती है। उसके अलावा आप अगर लीफ का लोअर सरफेस देखें, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, ये ब्लू, ये यहाँ पे लीफ का लोअर सरफेस है और यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं हमारे पास जिन्होंने एक लेयर बनाई है और उसके दरमियान में हमारे पास एक डिफरेंट सा सेल है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो लीफ है इसके दरमियान में आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं जो कि कुछ तो लंबाई में है, कुछ गोलाई में। ठीक है, जिनको मैं ऑरेंज से हाईलाइट करी हूँ, ये आपके पास जो है वो मेसोफिल सेल्स हैं या मेसोफिल टिश्यूज़ हैं। ढेर सारे जब सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लंबाई में और कुछ गोलाई में आपको जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल के किसी एक सेल को अगर जब हम बड़ा करके देखें तो उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये मेसोफिल सेल है और इस मेसोफिल सेल के अंदर आपके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को मैं यहाँ पे रेड से यहाँ यूँ हाईलाइट करूँ। ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है, अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना चाहें, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अब हम एक वन बाय वन देखते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, एक बाहर मेम्ब्रेन है और फिर उसके अंदर एक ओवर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन के बाद आप देख सकते हैं कि जब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड एक स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर जो हमारे पास डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये डेंस
फ्लूइड है और इसका काम क्या होता है, इस फ्लूइड के अंदर बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करने में या फिर शुगर की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, स्ट्रोमा के अंदर फिर मज़ीद अगर हम देखें तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन है और उसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर्स या सैक्स, थैलियाँ, टायनुमा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे गोल गोल, इनको हम कहते हैं, ये हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, थैलाकॉइड के ऊपर बेसिकली एक लेयर होती है और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, सब लेट सपोज ये जो ब्लू है ये इसकी लेयर है और इसके अंदर ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज से जैसे मैं अभी फिल कर रही हूँ, ये इसके अंदर एक फ्लूइड है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं, ये है ल्यूमेन, ल्यूमेन। ठीक है, तो फोर्थ हमने क्या चीज़ देख ली, हमने देखा कि थैलाकॉइड के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रीजन है जिसे हम कहते हैं, फ्लूइड जो है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो थैलाकॉइड आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सैक्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक अकेला कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे इनके स्टैक्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर हैं, यहाँ पे फोर हैं, यहाँ पे फाइव हैं, यहाँ पे फोर हैं, इस तरह से ये स्टैक्स की फॉर्म है। ठीक है, एक होता है इसके ऊपर, एक और पड़ा हुआ होता है इसके ऊपर, एक और पड़ा हुआ होता है। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ड्रेना, अगर सिंगल सिंगुलर हम उसको देखें तो उसको कहेंगे ड्रेना। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा सैक है इसको हम कहेंगे ड्रेना। अच्छा, ये तो हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरोफिल कहाँ आया। हम कहते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को तो हमने देख लिया, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ है। क्लोरोफिल बेसिकली प्रेजेंट होता है ये जो थायलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके अंदर। ठीक है, और इसका काम क्या होता है क्लोरोफिल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लोरोफिल का काम है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, सबसे पहले हम थायलाकॉइड को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं कि थायलाकॉइड का क्या क्या काम है। हमने देखा कि थायलाकॉइड जो हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि थायलाकॉइड जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एटीपी के सिंथेसिस में। ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं, इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। एटीपी क्या चीज़ है, हमने पहले भी बात की थी। एटीपी हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है और ये एटीपी की एनर्जी जो है वो आगे जाके शुगर की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, एक तो इसका ये काम हो गया। दूसरा इसका काम जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में देखेंगे, जिसको हम ईटीसी भी कहते हैं। और ईटीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हैं वो थायलाकॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को फिलहाल आप जस्ट याद कर लें, आगे जाके हम इसको जब डिटेल में देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये हमने देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा था। अब हम थोड़ा सा वर्किंग की तरफ आ जाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो काम कैसे करता है, हाउ क्लोरोप्लास्ट वर्क। अच्छा, जब वर्किंग की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स हैं। मेजरली जो या मोस्टली जो हमारे पास पिगमेंट जिसकी हम बात करते हैं हम कहते हैं क्लोरोफिल है। ये पिगमेंट्स करते क्या हैं, ये जो क्लोरोफिल है और इसके अलावा जो बाकी पिगमेंट्स हैं, अदर पिगमेंट्स, इन पिगमेंट्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। क्लोरोफिल और जो बाकी पिगमेंट्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्ब, सबसे पहले तो ये करते हैं कि ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, सनलाइट जो कि इनके ऊपर आ रही होती है ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये उसको कन्वर्ट करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में इंटू केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ये हम जानते हैं कि ये एटीपी की फॉर्म में होती है और ये एनए DPH के फॉर्म में होती है। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड एंड एडिनिन डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट। तो इन दोनों कंपाउंड्स को मज़ीद आगे डिटेल में भी देखेंगे। अभी जस्ट आप ये याद कर लें कि ये कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है वो अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। थर्ड स्टेप के अंदर ये होता है कि ये जो हमारे पास ATP और हमारे पास NADPH के अंदर एनर्जी
इकट्ठी हो गई है, ये यूज़ होती है और हमारे पास शुगर्स बन जाते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स भी जिसे हम कहते हैं। और ये शुगर कहाँ बनती है, ये हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर, ये जो हमने क्लोरोफिल रीजन की बात की थी ना, इसके अंदर यहाँ पे शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं वो बन जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट की वर्किंग। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं या नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि हमारे लेक्चर का था रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किस चीज़ के अंदर, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को ही हम पढ़े। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत अगर हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लें, हम जानते हैं कि लाइट जो है वो जितनी भी हमारे पास मेजरली जो सोर्स है, मेजर बेसिक सोर्स लाइट का, वो सनलाइट होती है, ठीक है। अब सनलाइट जो है वो हमारे लिए या प्लांट्स के लिए यूज़फुल तभी हो सकती है जब वो एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं तो पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज पिगमेंट्स ही वो सब्सटेंस हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट जो है हमारे पास डिफरेंट तरह की लाइट हो सकती है, जैसे कि आप जानते हैं लाइट जो है बेसिकली हमारे पास वेव्स की फॉर्म में होती है, या आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, लाइट जो है हमारे पास वेव्स की फॉर्म में होती है, इस तरह से हमारे पास वेव्स बनती जाती हैं। एक वेव जो है वो अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो दूसरी एक वेव यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। ये जो एक वेव होती है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और एक सब लेट सपोज एक वेव मैंने यूँ बना ली, दूसरी वेव में यूँ बनाऊंगी, ठीक है, ये भी एक तरह की वेव है और इसकी वेवलेंथ यहाँ तक ही एक वेव हो जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एक वेवलेंथ है। जिस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इस वेवलेंथ की वेवलेंथ जो है, इस वेव की जो वेवलेंथ है वो कम है, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं या विजिबल लाइट की बात करते हैं, तो हमारी आँख जो है जिस लाइट को देख सकती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तकरीबन हमारे पास, या उसकी वेवलेंथ को अगर हम देखें तो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास आती है 380 से लेके 750 नैनोमीटर्स तक, ठीक है। ये वो लाइट है जिसको हमारी नॉर्मल आँख देख सकती है, इसको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं। और यही वो लाइट है जिसको प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, या डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट्स के पिगमेंट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो भी इन्हीं इसी स्पेक्ट्रम की या इसी लेंथ की वेव को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कलर्स की अगर हम बात करें तो ये जो 380 से लेके तकरीबन 480 तक का जो रीजन है, इसमें हमारे पास ब्लू के शेड्स होते हैं, वॉयलेट होता है हमारे पास, इंडिगो होता है, ठीक है। तो ये शेड जो है वो हमारे पास 380 से 480 की रेंज में, जबकि अगर हम आगे चले जाएं हमारे पास 680 से लेके 750 तक की जो रेंज है, इसके अंदर हमारे पास ऑरेंज और रेड के शेड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो लाइट के अंदर ये दो कलर जो हैं वो, ये दो रीजन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, पिगमेंट्स को बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं दो मेजर टाइप्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको दो मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल्स और दूसरे हैं हमारे पास कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल जो है उनको मज़ीद फिर हम आगे से ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसकी मज़ीद दो टाइप्स के अंदर, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं कैरोटीन्स और दूसरे हैं हमारे पास ज़ैंथोफिल्स। तो इस तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हमने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर ली है। वन बाय वन अगर हम इनको देखते जाएँ, बल्कि इससे पहले हमारे लिए एक और टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने जब बात की है लाइट के एब्जॉर्ब होने की, तो हमारे पास डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट होती है, यानी कि हमारे पास क्लोरोफिल ए है वो डिफरेंट तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल बी है वो डिफरेंट तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये चीज़ पता चलाने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करता क्या है कि ये रिलेटिव एबिलिटी देखता है डिफरेंट पिगमेंट्स की, कि कौन सा पिगमेंट किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हमारे पास डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रम या ग्राफ्स बनते जाते हैं, और एक ग्राफ जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो हमें ये बताता है एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि किस वेवलेंथ की लाइट को किस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया है। हमारे पास एक एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। इस स्पेक्ट्रम के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट है, 400 से लेके 550 और तकरीबन 500 तक हमारे पास जो लाइट है वो हमारे पास ब्लू और इंडिगो के शेड्स हैं। इसके बाद अगर हम 600 से 700 तक चले जाएँ तो हमारे पास रेड के शेड्स हैं। अब ये जो ग्राफ है इसकी एक साइड पर हमारे पास एब्जॉर्बेंस शो हो रही है जो कि 0 फिर 0.541 तक जा रही है, और इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखें तो क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बता रहा है कि जो क्लोरोफिल है या क्लोरोफिल जो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो एक तो वॉयलेट ब्लू रीजन के अंदर आती है और दूसरी जो है वो ऑरेंज रेड रीजन के अंदर आती है, यानी यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, एक ये रीजन और एक ये रीजन। जबकि कैरोटीनॉइड्स जो हैं, हमने बात की थी जो कि हमारे पास दूसरी टाइप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं जिस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारे पास है ब्लू से लेके इंडिगो, यानी कि ब्लू ग्रीन तरह की जो लाइट है उस तरह की लाइट को कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। इसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्लोरोफिल का और कैरोटीनॉइड्स का। क्लोरोफिल की जब हमने बात की तो हमने कहा है कि क्लोरोफिल के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल ए और एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल बी। दोनों आपस में डिफ़र किस तरह से करती हैं, डिफ़र इस तरह से करती हैं कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है जो है वो डिफरेंट होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो आपको ये बात और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अगर हम टाइप्स को देखें तो क्लोरोफिल की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स, और इन डिफरेंट टाइप्स के अंदर से जो हम इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हमने देख ली क्लोरोफिल ए और बी। बेसिकली हमारे पास ए बी सी एंड डी, इस तरह से हमारे पास फोर टाइप्स जो हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंट होती हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर। और ये जो फोर टाइप्स हैं ये किसके अंदर होती हैं, हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए या फिर वाटर के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर, या एलजी के अंदर जिन तरह के भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो इन फोर टाइप्स में से हो सकती है। बैक्टीरिया एक ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पाई जाती है उसके अंदर। अब जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल जो है वो किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर भी देखा है कि क्लोरोफिल जो है एक तो वो वॉयलेट और ब्लू वाली जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा ये ऑरेंज रेड रीजन ये इस तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन सी वेवलेंथ क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते वो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि येलो रीजन को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते, ना ही ग्रीन को करते हैं तो ना ही इंडिगो रीजन को, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल जो स्टार्ट का रीजन है यहाँ पे भी कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं, ये वो कलर्स हैं या ये वो फ्रिक्वेंसीज हैं लाइट की, वेवलेंथ है जो एब्जॉर्ब नहीं होती। इसके बाद जब हम कैरोटीनॉइड्स के पास के तरफ आ जाते हैं तो कैरोटीनॉइड जो है वो हमने कहा कि इनको हम मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं कैरोटीन्स और दूसरे को हम कहते हैं ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीनॉइड जो हैं ये भी, इनका भी जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे थे तो हमने कहा था कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये यहाँ पे तकरीबन ब्लू और ग्रीन तरह की जो वेवलेंथ है ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब हम जब ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका अपना कलर क्या होगा, इनका अपना जो कलर है वो ऑरेंज रेड या येलो ऑरेंज टाइप इनका अपना कलर होगा। ठीक है, कलर्स की जहाँ हमने बात की है, कलर ये बात आपको स्पेसिफाई कर देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनका कलर किस तरह से आता है, उनका कलर इस तरह से आता है कि वो बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और किसी एक या दो कलर की लाइट्स को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो ब्लू और रेड और ऑरेंज तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करें तो वो कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, येलो और ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। इसी तरह जब हम कैरोटीनॉइड्स के पास आते हैं तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं, हमने कहा कि कैरोटीनॉइड्स जो है वो एब्जॉर्ब करे हैं ब्लू और ग्रीन तरह की लाइट को, तो वो कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, कैरोटीनॉइड्स जो है वो बेसिकली येलो ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसकी वजह से कैरोटीनॉइड्स का जो अपना कलर है वो येलो और ऑरेंज कलर होता है।
कैरोटीनॉइड्स इसके अलावा जो क्लोरोफिल बी है इन दोनों को हम कहते हैं, ये हमारे पास होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक हमने कहा क्लोरोफिल बी, इसके साथ साथ कैरोटीनॉइड्स, ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी जो फंक्शनैलिटी है या प्लांट के अंदर जो इनका काम है बेसिकली, तो वो लाइट एब्जॉर्प्शन ही है या एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ही है, लेकिन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली ये दोनों अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए के अंदर। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर देख लेंगे क्लोरोफिल का डिटेल के अंदर, और कैरोटीनॉइड्स की मज़ीद डिटेल्स को हम आगे स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने बायोएनर्जेटिक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट को से स्टार्ट लिया, क्लोरोप्लास्ट के हमने स्ट्रक्चर को देखा, उसके अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स या पार्ट्स हैं उसको हमने एक एक करके देख लिया। उसके बाद हमने थायलाकोइड्स की बात की, उसके फिर फंक्शनैलिटी की बात की, फिर हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जब बात की तो हमने थोड़ा सा लाइट को स्टडी किया, लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उनको देख लिया, फिर हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जो डिवीजन है उसको देखा, और हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की, हमने देखा कि कौन से पिगमेंट्स किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स का। दिस वाज ऑल टुडे।